संतोष, शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आता है, शिवरात्रि भी हर महीने आता है, सोमवार भी हर महीने दो तीन चार पांच पड़ी जाता है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में चार या पांच आता है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है। अगर कोई भूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाए। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइन ऑन से हो। जितना शिव में उससे हजार गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष, पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथा, 15 मिनट पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक एक पत्र है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर।
कल करके देखना, जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो, 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती गुस्सा। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है, जम के बोलिए जरा, शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, छह फलक वाला है, तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए। उसके प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ कुछ करिए, प्रभु आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना है, ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है, पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है, इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है, इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है, फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज कुबेर का निवास, प्रयास करा करो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दीप, यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देव अधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रदान। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे, मेरे रोग
मेरी बीमारी मेरे दुख को आप नहीं हरोगे, शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई, सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना, चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखे माता पार्वती क्या कर सकती, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर, अपूर्ण कर दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तो पूर्ण हो गए, लक्ष्मी आज से तो पूर्ण। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना।